नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम चंगाई के 10 वचन को सुनेंगे और चंगाई की सामर्थ को पाएंगे। चंगाई के विषय में बाइबल में अनगिनत वचन है, परंतु आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 10 वचनों को देखेंगे। आपसे विनती करते हैं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इन वचनों को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वे भी चंगाई को पा सके और आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, आपके लिए यह वचन सुनना और उस पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, जो हमारे लिए जीवनदायक औषधि के समान है। आइए सबसे पहला वचन सुनते हैं, जो हमें निर्गमन की किताब 15वें अध्याय के 26वें पद में मिलता है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रिय मित्रों, आपको परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना आवश्यक है और परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वैसा जीवन जीना भी आवश्यक है। परमेश्वर के वचनों पर कान लगाना और उसकी सच्चाई की राह पर चलने वाली विधियों को, रीति को मानना भी आवश्यक है। तब परमेश्वर आपको उसकी असीम सामर्थ के द्वारा चंगा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के लिए सभी लोग कहें आमीन। प्रभु के प्रियो, आइए दूसरा सामर्थी वचन सुनते हैं, जो इसी निर्गमन की पुस्तक के 23वें अध्याय के 25वें पद में वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, यदि हम परमेश्वर से आशीष और चंगाई पाना चाहते हैं तो हमें सच्चे परमेश्वर की उपासना और आराधना करना आवश्यक है, सच्चे मन से विश्वास करना और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना जरूरी है। तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित होंगे और चंगाई को पा सकते हैं। प्रभु के लोग कहें आमीन। आइए तीसरा वचन सुनते हैं। यह वचन नए नियम से लिया गया है, जो यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद यूं कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रियो, पिछले दो वचनों में हमने परमेश्वर को महिमा देना, उसका वचन सुनना और समझना और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करना यह सीखा। इसी बात में हम यह वचन यूहन्ना जो गयूस को पत्र लिखकर समझाता है कि जैसे वह आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में भी उन्नति करे और शारीरिक रूप में भी वह भला चंगा रहे, वैसे कामना और प्रार्थना यूहन्ना करता है। हम भी आपकी भलाई और चंगाई के लिए यही कामना और प्रार्थना करते हैं कि आप शरीर और मन से भी स्वस्थ रहें और आत्मा में भी स्वस्थ रहें। प्रभु के लोग कहें आमीन। आइए चौथा वचन सुनते हैं, जो दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद। दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रियो, यह वचन हमें बड़े ध्यान से सुनना है। यह बात यसाया भविष्यवक्ता द्वारा हिजकिय्याह राजा से कही गई थी, जब हिजकिय्याह ऐसा बीमार और रोगी हो गया कि अब वह मरने पर था, तब यसाया भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसे कह दिया कि तू अब नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। परंतु मित्रों, क्या हुआ आप जानते हो? हिजकिय्याह ने क्या किया? हाँ, उसने परमेश्वर से आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया
और उसे तत्काल जवाब मिला। परमेश्वर ने यसाया से कहा कि वापस हिजकिय्याह के पास जा और उसे कहे जो हमने अभी वचन सुना, जो फिर से सुनते हैं। वचन कहता है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसो तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ प्रियो, हमें भी पता नहीं है हमारा क्या होगा, लेकिन इस वचन पर आप विश्वास करो, अंगीकार करो और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करो। चाहे आप किसी भी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, शायद आपने जीने की आशा भी छोड़ दी है, फिर भी यकीन मानिए, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है और आपकी आयु बढ़ाना चाहता है। इसलिए प्रभु के लोग कहें आमीन। पांचवा पद हमें क्या कहता है, आइए सुनते हैं। यिर्मयाह 70वां अध्याय उसका 14वां पद कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूं। हाँ प्रियो, जीवन की किसी भी समस्या में हम क्यों ना हो, किसी भी असाध्य बीमारी से हम क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन हमें हिम्मत हारना नहीं है, परंतु हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना है। प्रभु के लोग कहें आमीन। आइए 6वां पद बड़े ध्यान से सुनते हैं। यह भी यिर्मयाह की पुस्तक से लिया गया है। यिर्मयाह 3रा अध्याय उसका 70वां पद क्या कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हाँ मेरे प्रिय, दुनिया का कोई डॉक्टर या दवाइयां आपको ठीक न कर पाए तो क्या हुआ, परमेश्वर खुद आपका इलाज करना चाहता है, उसकी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको भरना चाहता है। आप पूरे हृदय से पूरे मन से विश्वास रखो, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, जैसे उसने मुझे कैंसर की बीमारी से चंगा किया, जैसे उसने मुझे मौत से बचा लिया, जैसे उसने मुझे मृत्यु से जिलाया, जैसे उसने मुझे नया जीवन दिया, वैसे ही वो आपको भी चंगा करना चाहता है, आपको भी जीवन देना चाहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या आपको वह चंगा करेगा, यह विश्वास करते हो तो कहें आमीन। प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं 7वां वचन जो हमें बड़ा ही हियाव और दिलासा देता है। आप सोचते होंगे कि मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मैं बुरा व्यक्ति हूं, शायद कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे पाप की यह सजा मुझे मिल रही है, अब मेरा बचाव नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल हमें क्या आशा दिलाती है, क्या सिखाती है, वो बड़े ध्यान से सुनिए। यसाया भविष्यवक्ता की किताब उसका 57वां अध्याय उसका 18 और 19 वचन, मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके शोक करने वाले को शांति दूंगा, जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हे प्रियो, आप हिम्मत न हारिए, आपको चंगा करना चाहता है, आपके शोकित जीवन को शांति प्रदान करना चाहता है, आपको नया और आशीषमय जीवन देना चाहता है। इसलिए निराश न हो, परंतु विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें प्यार करता है, उस पर अभी विश्वास कर लो। हाँ, उस पर अभी विश्वास कर लो कि वह मेरे जीवन का उद्धार करता है, वही सच्चा जिंदा प्रभु है। उसके लोग कहें आमीन। हे मेरे प्रियो, आइए 8वां वचन सुनते हैं जो हमें भजन संहिता उसका 107वां अध्याय 20 और 21 पदों में क्या लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण उन आश्चर्य कर्मों को जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हाँ, परमेश्वर आपको पाप के गड्ढे से बाहर निकालना चाहता है, वह आपको चंगा करना चाहता है, वो आपके ऊपर करुणा करता है,
और आपके लिए वो आश्चर्य कर्मों को और चमत्कारों को करना चाहता है। इसलिए ये आपका फर्ज बनता है कि आप सच्चे परमेश्वर को, हाँ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो और उसकी महिमा करो। सभी लोग कहें आमीन। हे मेरे प्रिय, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, क्योंकि वह सिर्फ चंगा ही नहीं देता बल्कि वह आपके पापों की क्षमा भी देता है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर 8वें पद तक पढ़ोगे और सुनोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह पर अवश्य विश्वास करोगे। दूसरे पद में लिखा है, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। 6वें पद में यीशु मसीह आगे कहते हैं, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 7वें और 8वें पद में लिखा है, वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास वह लकवे का रोगी खुद नहीं आ सकता था, लेकिन कुछ लोग उसे खाट समेत उठाकर यीशु के पास लाए। बिना संकोच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वह आपके पापों की क्षमा भी देगा और आपको चंगाई और आशीष भी देगा। हे मेरे प्रियो, अब हम 10वां और आखिरी वचन सुनेंगे जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 5 से 9 वचनों में वर्णित घटना का हवाला देकर आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ अभी आपको चंगाई देना चाहता है। चाहे आपकी बीमारी कितने भी लंबे समय से क्यों ना हो, वो आपको चंगा करना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 2 पद से लेकर 9वें पद में यह विवरण मिलता है, एक व्यक्ति था जो 38 वर्षों से बीमार था और वह अभी तक ठीक नहीं हो पाया था। उसके पास प्रभु यीशु मसीह खुद जाते हैं और कहते हैं, जो 6वें पद में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 7वें पद में उस बीमार ने अपनी असमर्थता दिखाई। तब यीशु मसीह ने कहा, जो 8वें पद में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 9वां पद कहता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, कितनी अजीब और आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति 38 वर्षों से चंगा न हो पाया था, वह प्रभु यीशु मसीह के कहने से तुरंत चंगा हो गया। कितना अद्भुत चमत्कार! प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। क्या चंगाई के इन 10 वचनों से आप प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ को पाना चाहते हैं? तो अभी, हाँ अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और इन वचनों को नोट कर ले या इस वीडियो को बार बार देखें ताकि यह वचन आपको मुखपाठ हो जाए। इस वीडियो में दर्शाए गए चंगाई के वचनों से चंगाई और आशीष मिली हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह प्रभु की सेवा में आपका सहयोग होगा, दूसरों के लिए भी यह वीडियो आशीष का कारण बनेगा। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और चंगाई की सामर्थ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।